असलो यू ऑल आर गुड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर सिक्स डेट इज स्टूडेंट्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि इन्जाइम्स क्या होते हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्जाइम की किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं एंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम स्टूडेंट्स जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ एक रिफ्लैक्शन है कि जो भी उनकी बॉडी में प्रोसेसिस हो रही हैं जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस का एक ऐसा सेट होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा होता है उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए स्टोरें सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है और इसका मीनिंग है चेंज और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था इब्न नफीस ने और बेसिकली इसको किस तरह से स्टेट किया जाता है द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडर गोइंग चेंज जो हम लोगों की बॉडी है और इसके जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली हमेशा एक चेंजिंग कंडीशन में रहते हैं सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीजों की फॉर्मेशन हो रही होती है और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की ब्रेक डाउन हो रही होती है सो द प्रोसेस दैट अकर इन आवर बॉडी इज जस्ट लाइक दैट इट ऑलवेज अंडर गोइंग चेंज ओनली स्टूडेंट्स वन वी टॉक अबाउट द मेटाबोलिज्म वी कैन डिफाइन इट लाइक बायो द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मैंटेन लाइफ बायोकेमिकल रिएक्शंस का सेट जो हम लोगों की बॉडी में होता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में हो रहा होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे होते हैं किस पर्पज़ के लिए टू मेंटेन लाइफ लाइफ को मैंटेन करने के लिए इसको हम कहते हैं मेटाबोलिज़्म ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस डाटाकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मैंटेन लाइफ और कॉल्ड एस मेटाबोलिज्म एंड स्टूडें वेट वी टॉक अबाउट द बायो केमिकल रिएक्शन बेसिकली जो बायो केमिकल रिएक्शन है इनका पर्पज़ क्या है ये हेल्प करते हैं टू ग्रो टू रिप्रोड्यूस मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्ड टू देअर इन्वायरमेंट जो भी हमारा इन्वायरमेंट है लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट हम दोनों इन्वायरमेंट को लेते हैं इसमें यह बायोकेमिकल रिएक्शन उनको भी रिस्पॉन्स करते हैं सो so, जब हम बायो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं ये क्या करते हैं ये प्रोसेस अलाउ करते हैं को वो ग्रो कर सकें वो रिप्रोड्यूस कर सके स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकें और एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों को रिस्पोंड कर सकें अबाउट द मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है ये सेट है एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म वी कैन से डैट द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच द लार्ज मॉलिक्यूल सिंथिसाइज जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल की लार्ज मॉलिक्यूल सिंथिसाइज होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म जो एना का वर्ड है इसका मतलब होता है टू फॉर्म सिंथिसाइज करना या फिर बनाना तो इसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म यहाँ पे क्या होगा कि लार्ज मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और जब लार्ज मोलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है एंड वन वी टॉक अबाउट द कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म द वर्ड कैटा मीनस ब्रेकडाउन यहाँ पे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और उसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है जब लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं सो दिस इज़ नोन एज कैटाबोलिज्म और इन दोनों को एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म इन दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं मैटाबोलिज्म सो so स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं है, यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और इसके लिए हमें हेल्प किसकी चाहिए होती है इंजाइम की स्टूडेंट्स वन वी टॉक अबाउट द इंजाइम इंजाइम बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये कैटालाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को जब हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं उनको इंजाइम कैटालाइज करते हैं कैटालाइज मीन्स द स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शन ऑल दोज रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो मीन्स लाइफ एंड केमिकल रिएक्शंस मीन द रिएक्शंस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए हम इनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीडअप करने के लिए क्या चीज़ यूज होती है इन्जाइम्स यूज होते हैं और स्टूडेंट्स इंजाइम की एक प्रॉपर्टी है कि देर नॉट द रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो चेंज नहीं होते और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको ये इंजाइम एज इट इज ही मिलेंगे जैसे हमने उसमें एड किए थे या फिर जिस तरह से वो अपनी फंक्शनिंग कर रहे थे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो आपको एज इट इज ही मिलेंगे और जो इंजाइम्स होते हैं ये एक्ट करते हैं बायो कैटलिस्ट के तौर पे इनका बेसिकली क्या काम है इनका काम होता है स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शन को एंड दे ऑल्सो रेगुलेट द केमिकल रिएक्शन सो स्टूडेंट्स दिज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंजाइम इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे कैटालाइज द बायो कैमिकल रिएक्शन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंजाइम एंड वट आर द प्रॉपर्टीज दे आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड द इन्जाइम्स एक्ट एज द बायो कैटलिस्ट इन अ बायो कैमिकल रिएक्शन and how they act as the biocatalyst the speed of the chemical reaction as well as they regulate the chemical reaction so its wo molecules jin pe enzyme act karte hain like the molecules at which the enzyme act inko hum kehte hain substrate वो है वो मोलिक्यूल्स जिन पे इंजाइम अपना एक्ट करेंगे जिन या फिर वो मोलिक्यूल्स आप कह सकते हैं कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये केमिक उनको हमने up करवाना है उस reaction को तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम सबस्ट्रेट कहेंगे और ये जो सबस्ट्रेट है इंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा एक डिफरेंट मॉलिक्यूल में जिसको हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट वो मॉलिक्यूल्स जिस पे इंजाइम एक्ट करेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे और केमिकल जब बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो इंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा एक डिफरेंट मॉलिक्यूल में डेट व्यू कॉल द प्रोडक्ट्स सो स्टूडेंट्स दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजाइम एंड दिस इज ऑल फॉर टूडे नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन डेटा रिलेटेड टू द टॉपिक यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज हुज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था सो यू विल राइट इट फ्रॉम हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबोलिज्म वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई इबन नफीस इब्न नफीस ने एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मेटाबॉलिज्म आपने मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है कि स्टार्टेड फ्रॉम हियर मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट हो रहा है एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ यहां तक इसका आंसर है और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज डिफरेंशियड बिटवीन द कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म टू टू डिफरेंस हैं एक डेफिनेशन है और दूसरा इसका डिफरेंस है कि वो एनर्जी से रिलेटेड है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर यूटिलाइज हो रही है सो दीज आर द टू डिफरेंसेस डेट आर गिवन ओवर हियर आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हाउ द इन्जाइम एक्ट ये थर्ड क्वेश्चन है जहां पे हाउ इंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं तो यहां पर आप इसको मार्क करेंगे द एक्ट एज द बायोकेटलिस्ट एंड स्पीडअप एंड रेगुलेट द मेटाबोलिक पाथवेज आफ्टर दैट डिफाइन इंजाइम इंजाइम की डेफिनेशन डाइट इज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर इंजाइम से स्टार्ट हो रही है और यह आप मार्क करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन तक आफ्टर दैट वर्ट इज सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट यहां से यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज सबस्टेट एंड द प्रोडक्ट व्हाट इज डिफाइन द सबस्टेट और द प्रोडक्ट सो स्टूडेंट्स फॉर द सबस्टेट यू विल मार्क फ्रॉम हियर द मोलिक्यूल से आप मार्क करेंगे और सबस्टेट तक एंड द सेकेंड इज इन कन्वर्ट यहां से लेकर प्रोडक्ट तक सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टूडे होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू थैंक यू सो मच